ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, मतलब वायर ही है अपने पास पर पूरा कंप्लीट नहीं है, वो एक आर्क है बस, है ना, कुछ एंगल। ये वायर है अपने पास, इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। इसका सेंटर ये है, रेडियस जितनी चाहिए उतनी ले लो। क्या चाहिए, ए ले लो यार, अब ए ले रहे हैं तो हर जगह ए ले लेते हैं, रेडियस ए है। अब बताओ इस आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी, ओ पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस आर्क के कारण। निकालो, दो मिनट का टाइम है, करो जल्दी से। अब इंटीग्रेशन फटाफट करा करो। क्या मानोगे एलिमेंट, अच्छा इसका एंगल मान लो पहले ना, इसका एंगल कुछ फाई दिया है वरना डिफाइन ही नहीं होगा। मान लो कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, एंगल ही मानेंगे यहाँ पे ना, कुछ थीटा एंगल पे डी थीटा मान लेते हैं, तो इसका चार्ज कितना है डी क्यू। बताओ डी क्यू कितना होगा तुम्हारा, लैम्डा। डी एल, डी एल कितना है जल्दी बताओ, ए डी थीटा। अब इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, यहाँ पे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू के कारण, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, और एंगल क्या बनाएगी, ये एंगल बनाएगी फाइव बाई टू माइनस थीटा, है ना, ये एंगल फाइव बाई टू माइनस थीटा है, देख लो। चलो करते हैं फिर, डी ई हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट चार्ज है के क्यू बाय ए स्क्वायर, के डी क्यू कितना है अपना, लैम्डा ए डी थीटा बाय ए स्क्वायर। हमको पता है, अच्छा ये सिमेट्री से दिख रहा है क्या, यहाँ पे एलिमेंट है वैसे एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही होगी, तो दिख रहा है ये वाले डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल आउट कर जाएंगी, जो सर्वाइव करेगी वो सिर्फ किधर करेगी, इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द जो भी लाइन है, ये इस लाइन के पैरेलल वाली सर्वाइव करेगी, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, दिख रहा है, ये तो सिमेट्री भी बोल रही है। तो डी ई पैरेलल कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये एंगल कितना है फाइव बाई टू माइनस थीटा, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस ऑफ फाइव बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, और कॉस पता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको अदरवाइज भी लिख सकते हैं हम, तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटीग्रेंट ऑफ डी ई पैरेलल, वो कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू डी थीटा, इंटीग्रेंट जीरो से फाइव तक। अब देखो तो इसका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, तका दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपनी के लैम्डा बाई ए साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू, है ना, और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे अपन पहले, फाई, तो फाई माइनस फाइव बाई टू माइनस साइन ऑफ, अब थीटा की जगह पे जीरो, जीरो माइनस फाइव बाई टू, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, के लैम्डा बाई ए साइन फाइव बाई टू माइनस, समझ गए, साइन माइनस फाइव बाई टू आ रही है, इसमें से माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, टू साइन फाइव बाई टू, तो तुम्हारा आ गया टू के लैम्डा बाई ए साइन फाइव बाई टू, ये कहना चाह रहे थे, हाँ सही है, फिर बैठ जाओ, ये याद रखना है। और डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सिमेट्री बताती है ना, ये तो जिसको फिजिक्स नहीं आती वो भी बता देगा, मतलब थोड़ी बहुत आती हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर यहां पर मैं फाई को टू पाई ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, आर क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये रिंग बन जाएगी,
ऐसी, और इसके सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसके हिसाब से कितनी होगी, 2π/2 पाई साइन पाई इज जीरो, तो जीरो ही होनी चाहिए क्या, तो देखो होनी भी जीरो चाहिए थी, हो भी रही है, ठीक है। अगर अपन मान लो सेमी सर्किल ले लें, जनरली सेमी सर्किल आते हैं, सेमी सर्किल आ जाएगा तो फाई कितना हो जाएगा बताओ, पाई, तो साइन पाई बाई टू कितना होगा, 1, तो कितना आ गया तुम्हारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तुम्हारी, बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे सिनेरियो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी तुम्हारी इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाय ए। चलो क्वेश्चन लिखो भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, आई कैप जे कैप में आंसर चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी सिमेट्री से, और सिमेट्री बोले ये 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है, और इस ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर, फाई कितना है यहाँ पे, पाई बाई टू साइन पाई बाई 4 कितना होता है, तो ये आ गया तुम्हारा √2k लैम्डा बाई आर। अब हम बताए इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, माइनस ई साइन 45 आई कैप माइनस ई कॉस 45 जे कैप, देखो भाई ई कॉस 45 और ई साइन 45 दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, रख देते माइनस को कॉमन ले लेते पहले ना, तो क्या आ गया, ई की जगह पे तुम रखोगे √2 के लैम्डा बाई, और साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो क्या आ गया तुम्हारा, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाई आर जे कैप, ये तुम्हारा आंसर, कॉस 45 डिग्री को 1/√2 रख दिया, तो √2 और 1/√2, तो इसको सीधे है ना, जब ऐसा फिगर देखो तो सीधे दिमाग में याद कर लो, जब ऐसा दिखे तो इस डायरेक्शन में भी के लैम्डा बाई आर है और इस डायरेक्शन में भी कितनी है, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अगला करते हैं,